वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये बिहार दरोगा 2020 का हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। ठीक है, इसमें जो है हमने कोशिश किया है यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद तीनों के सभी सवालों को लिया गया है और उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी सवाल आपको परीक्षा में नहीं देखा जाएगा। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, वक्त है एक छोटे से मोटिवेशन का। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है किसमें? आपको बताना है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का उल्लेख किसमें किया गया है। चलिए, इसका सही जवाब है यजुर्वेद। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। तीसरा सवाल है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन क्या कहलाता है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद। हमारा चौथा सवाल है कि एक ऐसा वेद, यहाँ पे वेद होगा, एक ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, एक ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। चलिए, पांचवा सवाल की ओर चलते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? यानी जो लोग पाठ करते हैं यजुर्वेद का, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अधववर्यु। ठीक है, देख लीजिए, और इसका स्पेलिंग भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, हमारा सातवां सवाल है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उदर्त्री। क्या होगा? उदर्त्री, जिसका स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरीका से है, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, हमारा आठवां सवाल है, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्ववेद की जो रचना है वो किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा अथर्व ऋषि ने। अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। चलिए, हमारा नौवां सवाल है, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना से संबंधित वेद कौन है? तंत्र मंत्र एवं जादू टोना से संबंधित वेद कौन है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख किया गया है। चलिए, हमारा दसवां सवाल है, विवाह और प्रेम से संबंधित वेद कौन सा है? विवाह और प्रेम से संबंधित वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद आपका जादू टोना हो और विवाह प्रेम हो, मोह माया हो, ये सब अथर्ववेद में लिखा गया है। चलिए, हमारे 11 साल है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद भी कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। 12वां सवाल है हमारा, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? यह सवाल अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सभा एवं समिति को। किसे कहा गया है? सभा एवं समिति को। 13वां सवाल है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद यानी प्रारंभिक वेद जो है वो ऋग्वेद है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो कह रहा है सबसे बाद का वेद। सबसे पहला तो ऋग्वेद हो गया, लेकिन सबसे बाद का वेद बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद।
अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और सबसे प्रारंभिक वेद हो गया ऋग्वेद। चलिए 14वां सवाल है, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वेदांगों की। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। हमारा 15वां सवाल है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वेदांगों की संख्या 6 है। 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इससे होगा यह कि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। धन्यवाद।